लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। लोकसभा चुनाव 2019 में एक बार फिर से बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए सूबे की मुखिया ममता बनर्जी पर उन्होंने हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है जिनको आप दीदी के नाम से जानते हैं। दीदी को गरीबों की चिंता नहीं है। आखिर दीदी को गरीबी की राजनीति करनी है। वो गरीबी खत्म करने के लिए कैसे काम कर सकती हैं? अगर गरीबी ही खत्म हो जाएगी तो दीदी की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहाँ के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। ये दीदी आपके विकास की स्पीड ब्रेकर है। पॉलिटिक्स करने में मशगूल है वो, गरीबी को खत्म करने के लिए कैसे काम कर सकती है? अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो दीदी की पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का भी यही हाल है, कम्युनिस्टों का भी यही आदत है। इनको गरीबी चाहिए, गरीब चाहिए। गरीबों को गरीब रखने में उनका राजनीतिक हित भरा पड़ा है, इसलिए उन्होंने गरीबों के विकास पर ब्रेक लगाया हुआ है। पूरी साजिश करके रोका हुआ है कि किसी भी तरह गरीबों का भला न हो जाए, वो गरीबी से बाहर न निकल पाए। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल के चिटफंड घोटाला हुआ, मेरे गरीब भाई और बहनों का पैसा ये चिटफंड के नाम पर, उसको लेकर के दीदी के मंत्री, दीदी के विधायक, दीदी के साथी भाग गए। उन्होंने गरीबों को लूट लिया। पीएम मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चिटफंड घोटाला हुआ, मेरे गरीब भाइयों और बहनों का पैसा लेकर दीदी के मंत्री, दीदी के विधायक, दीदी के साथी भाग गए। उन्होंने गरीबों को लूटा है। गरीब की चिंता को समझते हुए केंद्र की एनडीए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की। 70 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के लिए उनके विकास के काम पर भी ब्रेक लगा दिया है। देश के तमाम राज्यों में पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लेकिन दीदी तो दीदी है, स्पीड ब्रेकर है, इसलिए पीएम किसान सम्मान योजना पर भी उन्होंने पश्चिम बंगाल में ब्रेक लगा दिया है। भाई और बहनों, ये भाजपा एनडीए की सरकार है जिसने गरीब, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, भारत माता की, आप थोड़ा शांत रहेंगे, आपका उत्साह, ये आपकी चेतावनी दीदी तक पहुंच गई है। ये आपका प्यार दीदी की नींद हराम कर देगा, ऐसा प्यार बंगाल मुझे दे रहा है, मैं सर झुका करके नमन करता हूं। भाइयों, ये भाजपा एनडीके की सरकार है जिसने गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन पर, उसने जो कमाई को उसको लूटने से बचाने के लिए रेरा का कानून बनाया। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज उत्तर बंगाल के कूचबिहार में अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की।
ममता की रैली कूच बिहार के दिनहाटा में हुई। तृणमूल कांग्रेस नेताओं के मुताबिक ममता पहले 4 अप्रैल को अपने अभियान की शुरुआत करने वाली थी, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी के सीधे टक्कर देते हुए एक दिन पहले ही अभियान शुरू करने का फैसला किया। दिन तो सब शुरू हो।